मुंगेली जिला के लोरमी जनपद पंचायत सीईओ प्रीति पवार के ऊपर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री लखनलाल कश्यप कोरोना काल में फर्जी बिल लगा के लाखों रुपया गबन करे के आरोप लगा है। गाड़ी भाड़ा में दो गुना रेट के बिल और सूखा राशन के फर्जी बिल लगाए के आरोप है। एकर पहले भी सीईओ प्रीति पवार के ऊपर कई आरोप लगाए जा चुके हैं। एक केस अभी हाईकोर्ट में चला थे। क्योंकि ये मैडम जब से आए हैं भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे आम लोगों के जबान से बहुत सुने हैं और चर्चा में है। अभी भी उस पर इसी मैटर में हाई कोर्ट में भी एक उसका केस चल रहा है। और तकलीफ को जब हुआ कि भ्रष्टाचार के बूह सामने आए, सुनाई पड़ा कि एक एक रुपये आमजन जनता से लेकर उद्योगपति तक ये महामारी कोरोना काल में प्रधानमंत्री फंड, पीएम केयर फंड, मुख्यमंत्री केयर फंड के नाम से जो पैसा राहत कोष के द्वारा दिया गया था प्रवासी मजदूरों को। रुका था छोटे से ब्रेक लिए बार, आप मन देखा रहा न्यूज 36 से छत्तीसगढ़ के आवाज़।